Students, in your maths part 1, we have a lesson comparison of international and Indian system of numeration. Numeration मतलब होता है counting. हम कैसे गणना करते हैं किसी चीज की, कैसे count करते हैं. Okay, तो इसके अलग अलग systems होते हैं, international system और Indian system. Indian system को हिंदू अरेबिक सिस्टम भी बोलते हैं, न्यूमरेशन भी कहते हैं. ओके, अब ये दोनों सिस्टम हमें समझना इसलिए जरूरी है कि जब हम इंडिया में बात करते हैं तो हम इंडियन सिस्टम यूज करते हैं, जैसे लाख, करोड़, अरब, खरब. बट द सेम टाइम हम कई बार न्यूज में सुनते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते भी हैं और आपस में बातचीत में भी हमें मालूम पड़ता है मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन. तो ये दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? जब हम बात करते हैं मिलियन, बिलियन या ट्रिलियन की और इधर हम बात करते हैं लाख, करोड़ की, तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं तो कुछ होता है, डिफरेंस भी है और रिलेशनशिप भी है, सिमिलैरिटी भी है. तो उसको कंपेयर करने के लिए हमें जरूरी है कि हम दोनों सिस्टम्स को लर्न करें प्रॉपरली. अगर हम बात करते हैं, हमें सबसे पहले इंडियन सिस्टम, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट समझना पड़ेगा. एट द सेम टाइम वी हैव टू लर्न एंड अंडरस्टैंड अबाउट द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट. दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, नंबर रीडिंग करनी पड़ेगी इंडियन सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में, राइटिंग करनी पड़ेगी नंबर राइटिंग इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम, और कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में उस नंबर या प्लेस वैल्यू सिस्टम को, वाइस वर्सा. जितनी हम हायर प्लेस में जाएंगे सिस्टम में, 10 टाइम्स उसकी प्रीवियस प्लेस से वैल्यू बढ़ती जाती है. वी कैन से प्लेस वैल्यू चार्ट इज टेबल ऑफ मल्टीपल ऑफ 10. मतलब आप हर पहले की जो संख्या है, पहले की जो प्लेस वैल्यू है, उसमें 10 से आप मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी. ओके, वी ऑलवेज स्टार्ट विथ यूनिट, दैट इज इकाई. अगर हम बात करते हैं इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम, तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट से. ओके, सिंगल डिजिट नंबर, दैट इज यूनिट. अगर हम आते हैं तो यूनिट के बाद क्या आता है? 10 आता है. यस, टेंस, इसको हम बोलते हैं टेंस. तो 10 की पावर 1, मतलब 10 को हम 1 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इट बिकम्स 10 ओनली. लेकिन 10 को हम पावर 2 करते हैं, मतलब 10 into 10, 10 tens are 10 into 10, तो हमको मिलता है 100. दैट इज सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, यूनिट टेंस हंड्रेड्स. ओके, अब हम बात करते हैं आगे, इसी यूनिट को हम वंस भी बोलते हैं. ओके, तो यूनिट एंड वंस बोथ आर सेम, यूनिट टेंस हंड्रेड. देन 100 के बाद हम क्या आते हैं? 1000 में, 10,000, 100,000. 100,000 को इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन में बोलते हैं लाख, 1 lakh. 1 lakh के बाद हम एक जीरो और बढ़ाते हैं तो 10 lakh हो जाता है. फिर एक जीरो और बढ़ाते हैं तो 100 lakh होता है, जिसको हम कहते हैं 1 crore. ओके, 1 crore के बाद 10 crores, 10 crore के बाद जो 100 crores होता है उसको 100 crores नहीं बोलकर हम कहते हैं 1 arab या 1 arab. सिमिलरली 1 के बाद 10 arab, 10 arab, 100 arab, दैट इज इक्वल टू 1 kharab, 1 kharab, 10 kharabs, 1 meal, 10 meal, padam, 10 padam, shankh, 10 shankh एंड महाशंख. इस तरह से हमारे नंबर सिस्टम इंडियन में, इंडियन सिस्टम में बढ़ते जाते हैं. नाउ सी, आपने कॉमा कहां लगाया? इंडियन सिस्टम में आप जैसे 1000 में आते हैं तो 3 जो होता है, मतलब यूनिट, टेंस, हंड्रेड, इसके पहले आप कॉमा लगा देते हैं. ओके, फिर आप 10,000 में आ रहे हैं, आपका कॉमा 10 के बाद आ जाता है. देन आप 1 lakh में आए तो 1, 2, 3 कॉमा लगा, अगेन 1, 2 कॉमा लग रहा है. इसका मतलब इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में जो फर्स्ट कॉमा लगता है वो 3 प्लेस के पहले लगता है, और उसके बाद के कॉमा जो लगेंगे वो एवरी 2 प्लेसेस में लगते हैं. आप देखेंगे हर जगह एवरी 2 प्लेसेस में कॉमा लग रहा है. दिस इज द बेसिक कंसेप्ट व्हाइल वी राइट और रीड इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. जब इंडियन सिस्टम में आपको पढ़ना है, लिखना है, कोई भी संख्या, कोई भी नंबर को बोलना है, तो आप ध्यान रखेंगे पहला जो कॉमा आता है वो 3 zeros या 3 digits या 3 places के पहले आता है. उसके बाद हर कॉमा एवरी 2 places के पहले आ रहा है. गौर करके देखिए यहां. ओके, हम जूम करते हैं थोड़ी देर, इसको जूम करके देखिए,
एवरी टू प्लेसेस के पहले कॉमा आ रहा है, फर्स्ट कॉमा थ्री प्लेसेस के पहले आ रहा है, यूनिट टेंस हंड्रेड, ओके यूनिट टेंस हंड्रेड कॉमा आया, उसके बाद हर दो प्लेस के बाद थाउजेंड टेन थाउजेंड अगेन कॉमा, लैख टेन लैख अगेन कॉमा, करोड़ वन करोड़ टेन करोड़ अगेन कॉमा, अरब टेन अरब अगेन कॉमा। तो एवरी टू प्लेसेस के पहले हम कॉमा पुट करते हैं, ये एक बेसिक कंसेप्ट है, हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमें इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। नाउ वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में आपका 10,000 तक सेम चलता रहेगा, यूनिट टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, जो हमारा 10,000 चल रहा था वो यहां पर 10,000 है, कॉमा कहां आया, यूनिट टेंस हंड्रेड, हंड्रेड के पहले कॉमा आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है कि हमने तीन प्लेसेस लिए, जैसे हंड्रेड खत्म हो गया थाउजेंड में आएंगे और हम कॉमा लगा देंगे, ओके। अब हम बात करते हैं, जहां हम बात कर रहे थे कि 10,000 के बाद जैसे हमारा 100,000 आता है उसको हम 100,000 नहीं बोलकर 1,00,000 बोलते हैं, बट इन इंटरनेशनल सिस्टम वी डोंट यूज लैक और क्रोड़, हम थाउजेंड टेन थाउजेंड उसके सीधा आ जाते हैं 100,000। कहां आ रहे हैं हम, थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड, आफ्टर 100,000, इसका मतलब है आफ्टर एवरी 100 हमारे टर्म्स चेंज हो जाएंगे। अब नेक्स्ट टर्म में क्या आ गए हम, मिलियन, ओके 100,000 के बाद वी कम टू मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, आफ्टर 100 मिलियन वी कम टू बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, देन ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन, 10 क्विंटिलियन, 100 क्विंटिलियन। इसका मतलब समझाता हूं मैं, यूनिट का मतलब मालूम है, टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड का आपको मालूम है। व्हेन वी टॉक अबाउट मिलियन, मिलियन मतलब होता है वन, मिली, बिलियन मीन्स होता है बिली, टू, ट्रिलियन ट्राई मीन्स होता है थ्री, क्वाड्री, क्वाड्री जब भी वर्ड यूज होता है उसको समझ आना फोर, क्विंटी, क्विंटी मतलब होता है फाइव, इसको कई बार पेंटा भी बोलते हैं, ओके ये आप ध्यान रखें। और जैसे हम सिक्स में आते हैं तो सेक्सिटिलियन बोलते हैं, और सेवन में आते हैं तो सेप्टिलियन बोलते हैं, एट में ऑक्टिलियन, नाइन में नॉनिलियन, टेन में डेसिलियन, इलेवन में यूनिडेसिलियन, ट्वेल्व में डुओडेसिलियन एंड थर्टीन में ट्राइडेसिलियन। इस तरह से हमारा इंटरनेशनल सिस्टम आगे बढ़ता रहता है, ओके एक्सपांड करते रहते हैं हम टेबल्स को। नाउ लुक अ डिफरेंट, लुक थॉरली टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। हमारे साथ क्या होता है, इंडियन सिस्टम में हम एवरी 10 के बाद 10,000 हो गया, अब एवरी 10 के बाद हमारा टर्म चेंज हो जाता है, थाउजेंड से हम आ जाते हैं लैक में, जैसे 10,000 हो गया उसके ऊपर लैक आ जाता है, 10 लैक्स के ऊपर हम 1 करोड़ में आ जाते हैं, जैसे 10 करोड़ हो जाता है उसके ऊपर हम 1 खरब खरब अरब में आ जाते हैं, 10 अरब के ऊपर हम खरब में आ जाते हैं, उन सो ऑन। बट इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, हमारा 10,000 तक सेम चल रहा है, उसके बाद हम 1,00,000 में नहीं आते हैं, हम आते हैं 100,000 में, एवरी 100 के बाद हमारे टर्म चेंज होंगे, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। देन अब एक चीज देखते हैं, जहां इंडियन सिस्टम में फर्स्ट कॉमा वॉज बिफोर थ्री डिजिट्स एंड आफ्टर दैट व्हाट वी यूज्ड, एवरी टू डिजिट्स के पहले हमने कॉमा लगाया, एवरी टू प्लेसेस के पहले, बट इंटरनेशनल सिस्टम व्हाट वी डू, जो भी कॉमा लगेगा किसी भी टर्म में लगेगा वो एवरी थ्री प्लेसेस के पहले ही कॉमा लगेगा। लुक हियर, 1, 2, 3 कॉमा, 1, 2, 3 कॉमा, 1, 2, 3 कॉमा, 1, 2, 3 कॉमा, 1, 2, 3। बिलियन में देखेंगे 1, 2, 3 कॉमा, 3, 0 आ गया, देन 1, 2, 3 कॉमा, 6, 0 हो गए, फिर 1, 2, 3 कॉमा, 9, 0 हो गए एंड 1। तो 1 बिलियन में 9 times 0 आता है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 बिलियन की 10^9, क्योंकि 1 के बाद हमने 9 times 0 यूज किया है, सो वी कॉल इट 10^9, दैट इज 1 बिलियन, ओके। दिस इज हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। इस तरीके से हम इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में डिफरेंशिएट कर सकते हैं।